गुड मॉर्निंग क्लास क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश फर्स्ट एंड पेज नंबर 61 द चैप्टर नेम इज पवार एंड द फोर क्वेश्चन ओके नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इज पवार इज अ बॉय एंड इन दिस चैप्टर ही आस्क अबाउट या टॉक अबाउट हिज क्वेश्चंस ओके इन चाइना मेनी इयर्स अगो देयर वाज अ बॉय नेम्ड पवार यानी चाइना के अंदर जो है ये स्टोरी है और वहाँ एक बॉय है उसका नाम क्या है पवान मेड ए मिलियन ऑफ पीसेस ऑफ गोल्ड पवान गॉड यानी इसका जो नेम है उसका मीनिंग क्या है खूब सारे पीसेस ऑफ गोल्ड मिलियन यानी लाखों जो 10 लाख होता है पीसेस ऑफ गोल्ड व्हेन ही वाज बोर्न यानी जब उसकी बर्थ हुई ही इट वाज फोरटोल्ड दैट वन डे ही वुड बी रिच एंड हैव अ मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड कि जब वो बड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा रिच मैन बनेगा और उसके पास क्या होगा मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड यानी थाउजेंड थाउजेंड खूब सारे गोल्ड के पीसेस होंगे इन द नेक्स्ट पैराग्राफ पवार वाज वेरी जेनरस जेनरस यानी बहुत ज्यादा काइंडनेस किसी के जो नेचर होता है देने का यानी हमारे पास कोई चीज है तो हम किसी को डोनेट करने की जो हमारी फीलिंग होती है जो थिंकिंग होती है उसके लिए आता है जेनरस He gave away all his money to the poor. वो अपना सारा मनी किसको दे देता है? Poor, यानी गरीबों को. Soon he had neither food nor good clothes for himself. अब वो बताता है कि ऐसी देने की जो डोनेट करने का उसका नेचर होता है वो जो जेनरस होता है तो उसके पास खुद के लिए न फूड होती है न पहनने के लिए क्लोथ्स होते हैं One day he asked himself, एक दिन वो अपने आप से पूछता है Why am I so poor when my name means million pieces of gold? वो पूछता है कि जब मेरे नाम का मीनिंग ये है मेरे नेम का मीनिंग ये है कि thousand thousand pieces of gold तो मैं इतना poor क्यों हूँ? So he decided go to seek the answer from the wise goddess Pavane. और वो जो wise goddess होती है यानी जो उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकती है वह उसके पास जाता है कि अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए सीख यानी सर्च करना Pavan traveled for many days until he came to a wide, fast-flowing river. Pavan है अपनी journey जो traveling है वो start कर देता है और वो कहाँ पर आ जाता है एक river के पास. As he stood on the river bank deciding how to cross, a deep voice called him from the head to Pavan, "Are you going to see?" क्या नहीं? अब वो सोचता है इस river को कैसे cross करूँ? तो वहाँ पर उसको एक hill top से एक आवाज आती है. वो आवाज क्या होती है? कि पवान तू कहाँ जा रहे हो यानी तुम उस गॉडेस के पास जा रहे हो क्या जिसका नाम क्योन है यस रिप्लाइड पवान पवान रिप्लाई करता है कि यस यहाँ वही जा रहा हूँ व्हेन ही सॉ ए लार्ज स्नेक अपीयर ओवर द हिल अब वो देखता है एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है आप पिक्चर में देखोगे ना देखो ये रहा वो स्नेक है तो वो बोलता है वुड यू आस्क योनी ने क्वेश्चन फॉर मी कुछ कहता है मेरे बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ लोगे आस्क द स्नेक स्नेक बोलता है कि मेरा भी एक क्वेश्चन तुम उस गॉडेस से पूछोगे पवान न्यू ही कुड आस्क ओनली 3 क्वेश्चन टू योनी एंड ही हेड ऑफ हिज ओन टू आस्क एंड सो ही एग्रीड द स्नेक रिक्वेस्ट अब पवान को ये चीज पता होती है कि उस गॉडेस से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओनली 3 और एक उसका खुद का क्वेश्चन रेडी है वो स्नेक को यस बोल देता है एग्री हो जाता है कि मैं तुम्हारा क्वेश्चन उस गॉडेस से पूछूंगा द स्नेक सेड आई एम 1001 इयर्स ओल्ड येट आई एम नॉट अ ड्रैगन आस्क योनजिन व्हाई इट इज सो वो कहता है कि मेरी एज कितनी हो गई है 1001 इयर्स लेकिन मैं अभी भी ड्रैगन नहीं बना हूं तो ये क्वेश्चन आपको उस गॉडेस को पूछना है इन रिटर्न टू पवान काइंडनेस द स्नेक द क्रॉस द रिवर ऑन इट्स बैक अब जब पवान उसके लिए एग्री हो जाता है क्वेश्चन के लिए तो उसको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा काइंडनेस है तो उसकी हैंड कैसे करता है उस बॉय को स्नेक अपने बैक पर बिठा के रिवर को क्रॉस करा देता है यानी हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी भी कोई हेल्प करेगा पवान रिज्यूम हिज जर्नी अब वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करता है And soon reached an inn. अब इन क्या होता है एक छोटा सा होटल जहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी कम होती है आज हम देखते हैं ना कोई 5-star होटल होता है या बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है या कोई गेस्ट हाउस होता है वहाँ पर बहुत फैसिलिटी होती है लेकिन जो इन है वो थोड़ा सा स्मॉल सा होता है
The innkeeper gave him a bowl of rice and tasty dishes. अब वो जब इन में पहुंच जाता है, वहां पर स्टे करता है, तो वहां का जो कीपर होता है, कीपर यानी वहां का जो केयर टेकर है, तो वो उसको क्या देता है, बाउल ऑफ राइस और खूब सारी टेस्टी डिशेस खाने के लिए. व्हाइल ईटिंग, जो वो खा रहा होता है, पोवान टोल्ड द इनकीपर दैट ही वाज गोइंग टू मीट योर इन, उसको बताता है कि मैं एक गॉडेस से मिलने जा रहा हूँ. देन आस्क हर ए क्वेश्चन फॉर मी, अब प्लीडेड द इनकीपर. अब इनकीपर भी क्या करता है, उसको एक रिक्वेस्ट कर देता है कि आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन पूछोगे कि माय ब्यूटीफुल डॉटर कैन नॉट स्पीक, जो मेरी सुंदर सी डॉटर है वो क्यों नहीं बोल सकती, प्लीज आस्क योनियन व्हाई दिस इज सो. और ये आप क्वेश्चन उसके योनियन नाम की जो गॉडेस है, जो वाइस गॉडेस है, उसको पूछोगे कि ऐसा क्यों है. पोवान फेल्ट सॉरी, अब उसको सॉरी फील होता है फॉर द इनकीपर, रेडिली एग्रीड, लेकिन वो फिर भी उसके लिए एग्री हो जाता है. After all, Kyonin would answer the three questions and go on had only one to ask. अब कहता है कि उसके पास तो three question हो चुके हैं. First question snake का, second question innkeeper का, और जो third question है वो किसका? Teacher, उस boy का, Pawan का. Pawan spent the night at the inn and the next morning he started his journey again. अब next morning वो अपनी journey जो है traveling है वापस start कर देता है. On the way he meet a rich man. अब वो रास्ते में किससे मिलता है? एक रिच मैन से. रिच मैन लुक वेरी सैड. रिच मैन जो होता है बहुत ज्यादा सैड दिखाई देता है. He said to Pawan, I have many special plants and trees in my garden. वो Pawan को बताता है कि मेरे गार्डन में खूब सारे प्लांट्स है, ट्रीज है. I looked after them for 20 years. मैं 20 years से उनकी केयर कर रहा हूँ. Still none of them will flowers or bear fruit. लेकिन अभी तक किसी पे भी फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है. प्लीज आस्क योनियन व्हाई दिस इज सो. आप उस गॉडेस से पूछना है कि ऐसा क्यों है, यानी मेरा जो गार्डन है उसके अंदर जो ट्रीज और प्लांट्स है उस पर फ्लावर क्यों नहीं है. ऑफ कोर्स आई विल प्रॉमिस पोवान विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी बिना किसी हेजिटेशन के वो जो बच्चा है, वो जो बॉय है, जो यंग मैन है, वो उसको यस बोल देता है. Alas, he could ask beyond only three questions. वो कहता है, मैं तो उस goddess को three questions पूछ सकता हूँ. And now he is already has four. और उसका खुद का question मिला कि उसके पास कितने question हो गए? Four. What should we do? उसे क्या करना चाहिए? Pawan knew the answer. I have made promise of the great snake innkeeper and which means whose promise must be kept. अब उसको feel होता है कि मुझे पहले इन लोगों की promise पूरे करनी थी. किस किस के? स्नेक के, इनकीपर के और रिच मैन के. इन तीनों की क्वेश्चन को गॉडेस को पूछना चाहिए. पोवान रिच द क्योनियन टेम्पल. पोवान वहां उस गॉडेस के टेम्पल में पहुंच जाता है. सी इनवाइटेड हिम आस्क थ्री क्वेश्चन. अब वो थ्री क्वेश्चन के लिए इनवाइट करती है, जबकि पोवान के पास कितने होते हैं? फोर क्वेश्चन. पोवान बिगेन, व्हाई इज द ग्रेट स्नेक नॉट येट अ ड्रैगन. वो सबसे पहला क्वेश्चन स्नेक का पूछता है कि वो ड्रैगन क्यों नहीं बना. ही इज वेटेड 1001 इयर्स. वो 1001 इयर से वेट कर रहा है. क्योनियन रिप्लाइड, देयर आर द सेवन पर्ल्स ऑन हिज हैंड. वो बताती है गॉडेस कि उसके हेड पर सेवन पर्ल्स है. इफ ही टेक अवे सिक्स, यदि वो उसमें से सिक्स ले लेता है, कौन ले लेता है? पोवान. पोवान उसमें से सिक्स ले लेता है, ही विल बिकम अ ड्रैगन. वो ड्रैगन बन जाएगा. Next, Pawan asks, why can't the innkeeper's daughter speak? कि innkeeper की daughter है, वो क्यों नहीं बोल सकती? ये Pawan का second question. She will start speaking when she sees the man she will marry. अब वो उसके reply करती है goddess कि वो जो girl है, वो जो daughter है, उस person को जब देखेगी जो उसके साथ marry करेगा, marriage करेगा, यानी शादी करेगा, तो वो बोलने लग जाएगी. Then Pawan asks, Why are the no flowers fruits the rich man's garden? Rich man ki garden par flowers or fruits kyun nahi hai? Pyongyin replied ki there are sand cascades of gold and silver in his garden. Uske garden ke andar jo box hai seven, jo jewel se bhare hue hain, jo treasure hai, uska khazana hai. His plants and trees will flower and bear flowers and bear fruits when he gives away his treasures. वो अपना जो खजाना है, जब वो किसी को देगा, तब क्या होगा? उसके गार्डन में फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे.
Pawan had asked all three questions he was allowed to ask. अब क्या होता है भगवान को थ्री क्वेश्चन के लिए अलाउ होता है कि सेट ऑफ हिज होम अब वो वापस घर के लिए जाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ऑन द वे ही गेव द रिच मींस द गॉडेस आंसर वो क्या करता है जो ये सारे आंसर गॉडेस ने दिया है वो सबसे पहले रिच मींस से मिलता है द रिच मींस वो सो ग्रेटफुल उसको बताता है दैट ही गेव भगवान हाफ हिज ट्रेजर अब वो भगवान को अपना ट्रेजर है जो खजाना है वो दे देता है नेक्स्ट ही वेंट टू द सी इनकीपर व्हेन द इनकीपर्स डॉटर सा इन हिज ओपन विंडो ही कॉल्ड आउट वेलकम बैक पवन द इनकीपर वाज डिलाइटेड एट हिज डॉटर टू स्पीक ही एट वंस एग्रीड टू लेट हियर मेरी पवन अब वो जैसे ही पवन वहां जाता है उसकी डॉटर उसे देखती है विंडो ओपन करती है तो वो क्या बोलती है वेलकम बैक पवन यानी वो डॉटर बोलने लग गई वो ये चीज देख के वो जो इनकीपर है वो बहुत खुश होता है और भगवान भी उसको आंसर देता है कि जब बोलेगी कि जब वो अपने जिस पर्सन से शादी करेगी उसको देखेगी तो वो जो इनकीपर है वो एग्री हो जाता है भगवान के साथ अपनी डॉटर की मेरी करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ भगवान दे वेंट टू ग्रीट स्नेक एंड टोल्ड हिम व्हाई ही इज कुड नॉट बी अ ड्रैगन अब वो स्नेक से मिलता है जो अपने स्टोरी की फर्स्ट में मिला था और वो बोलता है कि स्नेक को कि तुम ड्रैगन क्यों नहीं बने वो बताता है द स्नेक गिव सिक्स ऑफ कॉल टू पवन एंड सडनली टर्न इनटू मैग्निफिसेंट ड्रैगन कि जब वो अपना जो सेवन उसकी कॉल्स है इसमें से सिक्स पवन को दे देगा तब वो क्या बन जाएगा ड्रैगन और ऐसा करते ही वो किसमें टर्न हो जाता है मैग्निफिसेंट अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल सुंदर से ड्रैगन में थ्रू हिज काइंडनेस एंड गुडनेस अब उसकी काइंडनेस और गुडनेस की वजह से पवन बिकम अ रिच मैन विद मिलियन गॉड पीसेस और जो पवन का क्वेश्चन था कि वो रिच मैन क्यों नहीं बना है तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और वो रिच मैन बन जाता है रीजन क्या होता है उसकी काइंडनेस और गुडनेस की वजह से यानी हमें हमेशा क्या होना चाहिए काइंडनेस होना चाहिए जेनरस होना चाहिए अच्छा होना चाहिए हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी भी दूसरे करेंगे थैंक यू